नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर आपको पित्त की थैली में पथरी है तो फिर आपको इससे रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, तो उसके बारे में आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कोई भी पार्ट को मिस मत करिए, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो इसका मतलब ये है कि आपका लिवर बाइल सिक्रीट करता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण जो गॉल ब्लैडर में बाइल है उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन का रूप ले लेते हैं। इसीलिए आपके जो बाइल को नॉर्मल कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तब आपका जो गॉल ब्लैडर है स्टोन्स वो डिसॉल्व हो पाएंगे। दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन की कंपोजिशन होती है मेनली कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स और ये यूरिया और उसके क्रिएटिनिन के भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जो कंपोजिशन होती है, जो मिक्स्ड आपकी जो बाइल स्टोन्स हैं उनकी फॉर्म होती है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का मेनली 80% रोल ज़्यादा रहता है, जो 80% केसेस में गॉल स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के ही फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए जो होम्योपैथिक मेडिसन्स होती हैं उनका मेन जो रोल होता है वो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन को बाइल से कम करना और बाइल को नॉर्मल कंसंट्रेशन में लेके आना। तो जैसे ही बाइल नॉर्मल कंसंट्रेशन में आता है तो फिर बाइल एसिड उसमें फॉर्म होते हैं और वो स्टोन को डिसॉल्व करते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसन्स गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। पित्त की थैली में जो पथरी बन जाती है उससे रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादातर पित्त की थैली में अगर पथरी है वो देखने को मिलती है, वो है पेन। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है तो फिर इसका कारण क्या है? उसका कारण है कि कोलेसिस्टाइटिस आपको हो जाती है। कोलेसिस्टाइटिस होती है गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ इन्फेक्शन होता है, क्योंकि बैक्टीरियाज की वजह से होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो गॉल ब्लैडर वॉल को इन्फ्लेम कर देते हैं। कई बार ये सेप्टिक भी हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को सिवियर पेन का सामना करना पड़ता है। ये पेन इतना सिवियर होता है कि इसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिवियर पेन रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपके गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन है, आपको कोलेसिस्टाइटिस है। तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गॉल ब्लैडर अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, अगर वो सेप्टिक है तो फिर वो रप्चर हो सकता है, जो कि एक एक्यूट इमरजेंसी है और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो दोस्तों, कोई भी लापरवाही ना करिए, और अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली पेन रहता है, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर पेन रहता है और ये पेन जो है वो कभी भी आपको उठ जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें इन्फेक्शन के साथ साथ आपको जो सिस्टिक डक्ट है या फिर गॉल ब्लैडर की जो नेक है उसमें स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करा हुआ है, यानी फंसा हुआ है, जिसके कारण आपको रिकरेंट पेन रहता है। तो अगर आपको रिकरेंट पेन रहता है और ये बहुत सीवियर होता है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ऐसे केसेस में आपको सर्जरी करा लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, तो पेशेंट को बिना देर करे सर्जरी करा लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको सीवियर पेन रहता है तो फिर आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्पफुल रह सकती है उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको सीवियर पेन रहता है तो इसके जो मेन कारण है, एक तो हो गया इन्फेक्शन, फिर हो गया ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टोन, फिर अगर आपको उसके साथ पेन के साथ वॉमिटिंग भी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसके साथ पेन होता है, और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से पीछे कमर में, बैक में जो पेन है वो रेडिएट होता है, शोल्डर में रेडिएट हो सकता है, आपको इंटेस्टाइन में नीचे, पेट से निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, तो ये जो गॉल ब्लैडर का जो पेन है वो रेडिएट होता है, तो आपको अलग अलग लोकेशंस में ये पेन रहता है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ आपका जो पीछे बैक का पूरा हिस्सा, पेट का पूरा हिस्सा, शोल्डर का पूरा हिस्सा, ये पूरा सीवियर पेन करता है। उसके साथ आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, फीवर भी हो सकता है, और आपको ठंड दे के बुखार भी आ सकता है, और आपको जॉन्डिस भी हो सकती है। जॉन्डिस का कारण होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसके कारण आपको
पीलिया हो जाता है। तो इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, अपने जो ज़रूरी जांचें हैं वो करा लीजिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि आपको अगर लापरवाही करते हैं इस केसेस में तो फिर आपको बहुत सारे सीवियर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भुगतने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं लिवर रेमेडी के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लिवर रेमेडी है, जो जनरली मेडिकल साइंस में लिवर जो डिसीजेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, वो है चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम मेजस एक बहुत अच्छी लिवर रेमेडी है, वो ज़्यादातर मेडिकल साइंस में यूज़ होती है लिवर डिसीजेज के लिए और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। तो फिर गॉल ब्लैडर स्टोन्स को डिसॉल्व करने के लिए और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड जितने भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं उसमें चेलिडोनियम मेजस बहुत अच्छा काम करती है। चेलिडोनियम मेजस, इसका कॉमन नेम है सिलेंडाइन, पेपावेरेसी फैमिली की ये होती है। तो पेपावेरेसी फैमिली से चेलिडोनियम मेजस बिलोंग करता है। चेलिडोनियम मेजस जो मेडिसन है, ये जो प्रिपरेशन होती है इसकी, ये जनरली फ्लावर्स से होती है। तो इसको जो पार्ट यूज होता है मेडिसिन के लिए वो है फ्लावर। तो फ्लावर्स इसके येलो कलर के होते हैं जिससे मेडिसिन बनती है। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और ये 3 से 4 जो इंच होते हैं वो वाइड होते हैं। जो इसकी स्टेम होती है उसको जब हम कट करते हैं तो उसमें भी येलो कलर का जूस निकलता है। तो फिर जॉन्डिस के केसेस में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहती है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है लिवर डिसीजेस के लिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक इंडिकेशंस ऑफ चेलिडोनियम मेजस। होम्योपैथी में चेलिडोनियम मेजस उन केसेस में यूज़ होती है जिसमें पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिसीजेज रहते हैं, उसके साथ जॉन्डिस बहुत रहती है, क्रॉनिक जॉन्डिस रहती है, बहुत ज़्यादा पीलिया रहता है मरीज को, उसके साथ उसको जब गॉल ब्लैडर अगर स्टोन रहता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन में उसके इंडिकेशन होते हैं कोलेसिस्टाइटिस, सीवियर पेन रहता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है और ये रेडिएट होता है टूवर्ड्स द बैक, राइट साइड ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला की जो टिप है वहाँ पे पेन महसूस होता है गॉल ब्लैडर से रिलेटेड अगर उसको इन्फेक्शन होता है तो। तो जनरली जो लोकेशन रहती है वो टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द स्कैपुला रहती है। पेन जो है वो कई बारी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेके इंटेस्टाइन में भी रेडिएट करता है, शोल्डर में भी रेडिएट हो सकता है, ये पेन इंटेस्टाइन में नीचे भी रेडिएट हो सकता है। तो पूरे कमर में, कमर के साथ साथ आपको पूरे पेट में भी ये दर्द रहता है और बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये इंडिकेशंस रहते हैं चेलिडोनियम मेजस के। उसके साथ साथ मरीज को बहुत ज़्यादा पीलिया की शिकायत रहती है, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लेके दर्द महसूस होता है, ठंड लगती है जब दर्द होता है, वॉमिटिंग की शिकायत रहती है और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है। वॉमिटिंग के साथ मरीज को जो स्टूल्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन जनरली उसको रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठंड दे के आपको दर्द है वो होता है, उसके साथ साथ आपको सीवियर पेन रहता है, कोलेसिस्टाइटिस है, जॉन्डिस है, तो उन केसेस में चेलिडोनियम मेजस आप ले सकते हैं। ये बहुत यूजफुल रहती है, ये ना केवल गॉल ब्लैडर स्टोन के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है बल्कि ये पेन को रिलीफ करने के साथ साथ लिवर जो डिसफंक्शन है उसको भी करेक्ट करती है। तो क्रॉनिक लिवर डिसीजेज के केसेज में और जॉन्डिस के केसेज में चेलिडोनियम मेजस बहुत यूजफुल रहती है। दोस्तों चेलिडोनियम के साथ साथ बहुत सारी और भी होम्योपैथी के मेडिसन है जो अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं और वो गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए यूजफुल रहती है, जिसमें से मेन है बर्बेरिस वल्गैरिस, चाइना, डायोस्कोरिया, चेलिडोनियम, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार। तो बहुत सारी होम्योपैथी के मेडिसन हैं जो कि गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए यूजफुल रहती हैं, अगर आपके जो सिम्टम्स हैं उनको देखते हुए मेडिसन्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जब मेडिसन्स लेते हैं तो फिर वो आपको डिसीज़ जो है क्योर करने के लिए हेल्पफुल रहती हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए वो हेल्पफुल रहती हैं। तो दोस्तों जो आपको मेडिसन्स जो बताई गई हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशंस हैं। अगर आपको इंडिकेशंस हैं चेलिडोनियम मेजस के तो फिर आपको ये मेडिसन काम करेगी, अगर आपको इंडिकेशन नहीं है चेलिडोनियम मेजस के तो फिर ये मेडिसन काम नहीं करेगी, तो आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। होम्योपैथी में वही मेडिसन काम करती है जो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स दी जाती हैं। तो सिमिलर सिम्टम्स अगर आपके हैं, मेडिसन से मैच करते हैं, तो फिर वो मेडिसन आपको काम करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके लिए जागरूक होना, तो इसके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।